शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी अपडेट। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर बेशिक्षा मंत्री संदीप सिंह का नया बयान। क्या कहा उन्होंने, क्या अब हो सकता है, और जितेंद्र साई का क्या बयान है, वो सर जी बात करेंगे। तो शिक्षा समाचार में आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, संदीप सिंह नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी बन गए और लगातार वो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ नई बातें निकल कर आ रही हैं। जब शिक्षा मित्र संगठन ने जाकर बेस शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और अपनी प्रॉब्लम्स को बयां किया, क्या क्या समस्याएं, क्या हो रहा है, और कब से वो 25 सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बताई। बेस शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द आप लोगों की बात को रखा जाएगा और इन कि आप लोगों की जो समस्या है उनको जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। जितेंद्र साई की तरफ से कहा गया, अखिल भारतीय कुश्ती संघ के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकप्रिय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह को विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचंड जीत पर लाखों शिक्षा मित्रों की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन। शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर चर्चा की गई, स्थानीय निकाय चुनाव के बाद पुनः वार्ता की जाएगी। तो उन्होंने शिक्षा मित्रों ने आज ब्रजभूषण जी से बात की और जल्द से जल्द मांग की है कि उनकी जो बात को रखा जाए सरकार के समक्ष और एक समायोजन या फिर किसी भी तरीके रास्ते से उनका जो समाधान निकाला जाए। अब देखना यह है किस तरीके से समायोजन निकल कर आता है, जो भी बातें निकल कर आएंगी या किस तरीके से उनका समायोजन किया जाएगा या फिर क्या नई रणनीति रहेगी, वो सारी चीज़ें सरकार की तरफ से कुछ क्लियर नहीं किया गया अभी तक, और इस तरीके से आवाज़ उठती रही। जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिलेगा। मिलते हैं फिर अगली अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सभी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।